हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लाइव आ चुकी मैं, निश्चित समय से थोड़ा सा लेट आई हूँ। नेहा नाम है, मुझे आप मेरे फेसबुक चैनल पर फिलहाल देख रहे हैं, साथ के साथ ये यूट्यूब इंस्टाग्राम पर भी बाद में पोस्ट कर दी जाएगी वीडियो। आज मेरा लाइव आने का उद्देश्य है ऐसे बच्चों से बात करना जो बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। तो आप भी अगर इस तरह के विद्यार्थी हैं कि बिल्कुल ज़ीरो से कोई मुझे पढ़ा दे, बिल्कुल बेसिक से कोई सिखा दे, इंग्लिश बोलना भी, ग्रामर भी, और नए नए खूब सारे शब्द मैं सीख जाऊं, कोई ऐसा टीचर मिल जाए, कोई ऐसा बैच मिल जाए, तो अगर आप भी इसी तरह के विद्यार्थी हैं और ऐसा ही कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो फिर इस लाइव सेशन को आपने पूरा सुनना है, ध्यान से अटेंड करना है। मैं रोहतक में 2010 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ मैं वेटिकन और वैदिकन गुरुकुल, ये दो अलग अलग संस्थाएं भी चला रही हूँ, जिनका मेन पर्पस बच्चे को गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना है। तो काफ़ी बड़ी टीम, बहुत बड़ा स्टाफ मेरे साथ यहाँ रोहतक में लगा है। काफ़ी सारे हॉल्स और बिल्डिंग्स में हमारा काम यहाँ पे चलता है। ऑनलाइन में मैं पिछले लगभग साल सवा साल से मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू किया है। उससे पहले मैं पूरे तरीके से सिर्फ ऑफलाइन में ही इंडल्ज और इन्वॉल्व रहती थी, और इस साल सवा साल में मैं काफ़ी सारे ऑनलाइन बैचेस बना चुकी हूँ, जिससे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल चुके हैं, जिसका एक्सपीरियंस आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल भी जाएगा। मैंने फेसबुक पेज पे मुझसे पढ़े हुए बच्चों के रियल लाइव जो अटेंड करके उन्होंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उनका वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उन बच्चों के एक्सपीरियंसेस को देख सकते हैं। लाइव में भी सीखा जा सकता है, ऑनलाइन में भी सीखा जा सकता है, ये ऐसे बच्चों ने ही मुझे बताया था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान ऑनलाइन पे देना शुरू कर दिया। जितना मैंने ध्यान दिया उससे कई गुना ज़्यादा आपने प्यार दिया, जितना मैंने ध्यान दिया उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे पढ़ने आए। बहुत से बच्चे तो ऑफलाइन में भी मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे देख करके रोहतक ऑफलाइन में भी पहुँचे हैं, पंजाब से, तमिलनाडु से, केरल से, बहुत, मतलब बहुत से लाइव बच्चे तो हमारे पाकिस्तान से भी जुड़ के हमसे पढ़ रहे हैं, दुबई से, बहुत अदर कंट्रीज से, अब्रॉड से भी बच्चा हमसे जुड़ा है, जो बेसिकली इंडियन हैं और दूसरे देश में गए हुए हैं, सेटल हो चुके हैं लेकिन इंग्लिश सीखना चाहते हैं वहाँ पे कंफर्टेबल होने के लिए। तो ऐसे खूब सारे बच्चे अब्रॉड से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको ये सारी बातें बताने का औचित्य और उद्देश्य ये है कि आप भी सीख सकते हैं अगर टीचर और उसका तरीका सही है तो। और क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इंग्लिश ही पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा पढ़ा कर ही मैंने अपनी संस्था को बनाया है, और आज भी 8 से 10 घंटे इंग्लिश में मेरे बीतते हैं, तो आपको डेफिनेटली ज़ीरो से इंग्लिश पढ़ाई और सिखाई जा सकती है। चाहे आप किसी भी स्कूल से पढ़े हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हैं, आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, स्कूल में हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हर वो बच्चा जो बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखना चाहता है वो इस अगली वीडियो को अब ध्यान से सुनता चलेगा। देखो, मैं जो बैच आपके लिए प्लान करके लाई हूँ उसमें मैं 3 चीज़ों पे मेन फोकस करूँगी। सबसे पहला फोकस मैं करूँगी बेटा इंग्लिश बोलने पे। इंग्लिश बोलना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी। एक बार मैं अपने थॉट्स रख लेती हूँ पहले, फिर एट द एंड जो आप सवाल पूछेंगे मैं उन सब के रिप्लाई करके जाऊंगी। तो सबसे पहली बात, इंग्लिश बोलने पे हम इस बैच में फोकस करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो से हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, यानी आपको अगर इंग्लिश की एक भी लाइन आज बोलने नहीं आती है, अरे लाइन छोड़ो, शब्द बोलने में भी घबराते हो कि कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो जाए, तो ये सारी समस्याएं आपकी इस नए बैच में दूर हो जाएंगी। नए बैच का नाम मैंने रखा है ज़ीरो से इंग्लिश सीखें 2.0। वेटिकन ऐप पे ये बैच लाइव होगा। वेटिकन ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव ये बैच रहेगा, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव आकर के पढ़ाएंगे रोज आपको। तो बैच का नाम क्या हो गया, जीरो से इंग्लिश सीखे 2.0। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाफट सबसे पहले तो बैच का नाम लिख दो, जीरो से इंग्लिश सीखे 2.0। 2.0 में आपने रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप जीरो से सीखना चाह रहे हैं तो। 2.0 वाले बैच को आपने एनरोल करना है, क्योंकि एक बैच जीरो से इंग्लिश सीखे नाम से भी है।
तो ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसपे हमने 2.0 लगाया है, उस पर न्यू भी लिखा होगा, तो आप उसे ज़रूर एनरोल करिएगा। अगर आप ज़ीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जैसे कि हमारा बैच का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ इस बैच में क्या पढ़ाने वाली हूँ, इंग्लिश बोलना सिखाएंगे आपको। दूसरी चीज़ आएगी ग्रामर। बहुत बार हम इंग्लिश बोलते तो हैं पर वो ग्रामेटिकली सही नहीं होती, तो अगर हमें ग्रामर का ज्ञान हो तो हम सही इंग्लिश बोल सकते हैं, और अगर हमें ग्रामर का ज्ञान ना हो तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि वो सही होगी। बहुत से लोग बोलते हैं इंग्लिश पर वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती, तो हमारे बैच में जो बच्चा पढ़ेगा उसको हम ग्रामर भी सिखाएंगे और इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे। जो इंग्लिश बोलना हम सिखाएंगे वो आपको स्कूल में भी काम आएगी, वो आपको कॉलेज में भी काम आएगी, और अगर आप ऑलरेडी जॉब पे हैं तो भी काम आएगी, कहीं आप इंटरव्यू देते हुए घबराते हो तो भी वो इंग्लिश काम आएगी। तो ऑल राउंडर्स इंग्लिश बैच वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले बच्चों का इंग्लिश बैच में अलग से सेल कर रही हूँ, कॉलेज वालों के लिए अलग सेल कर रही हूँ, प्रोफेशनल कोर्स बोल के स्पोकन का अलग बैच बना के ऑफिस वालों को अलग से। आप सिर्फ इसे एक बैच को ले लीजिएगा, चाहे आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आपको इंग्लिश बोलनी पक्का आएगी। चाहे आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप स्टेज पे जा रहे हो, आप कन्वर्सेशन करना चाह रहे हो, हर एंगल से आप इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इस बैच में जो मैं इंग्लिश ग्रामर कवर करूँगी वो भी बेसिक टू एडवांस होगी, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके नरेशन तक सारे टॉपिक्स कराऊंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का बेसिक होता है, सेंटेंस का टॉपिक इंग्लिश का बेसिक होता है, वहाँ से शुरू करके हम नरेशन के टॉपिक तक सब ए टू जेड सारे टॉपिक पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल वर्ब टेंस वॉइस नरेशन आर्टिकल कंजंक्शंस प्रेपोजिशंस मॉडल्स नॉन फाइनाइट्स ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ ग्रामर हम इस बैच में कवर करेंगे। और ग्रामर का हर टॉपिक बेसिक से होगा, बेसिक यानी बिल्कुल आधार से। नाउन का मतलब समझाऊंगी पहले, फिर नाउन की टाइप्स समझाऊंगी, फिर नाउन की टाइप्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी खूब सारी, 250 से 300 क्वेश्चन में हर टॉपिक के आपको कराऊंगी बैच के अंदर। जब हम स्पोकन की प्रैक्टिस करेंगे तो भी हम लगभग हर टॉपिक के 100 से 200 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहेगी इस बैच में। तो स्पोकन का हम हर पहलू कवर कर रहे हैं, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे ऑफिस में है, चाहे हाउसवाइफ हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहती हैं, अपने बच्चों की पीटीएम में जाती हूँ मैम इंग्लिश नहीं बोल पाती, बहुत सी हाउसवाइफ इस तरह की प्रॉब्लम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख रही होती हैं कि मैं तो पीटीएम में जाने से ही डरती हूँ कि टीचर इंग्लिश में बात करेंगे मुझे करनी नहीं आएगी, तो हाउसवाइफ्स के लिए भी ये बैच फुल फ़ायदेमंद रहेगा। अब ग्रामर सीखने के लिए क्यों फ़ायदा है, ग्रामर स्कूल के बच्चे को 12वीं तक काम आती है, तो अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, दोनों ही तरीके से आपको ग्रामर सीधी सीधी काम आएगी, स्कूल सिलेबस में भी, और घर आके बच्चा मम्मी से पूछता ही नहीं है कि अरे मम्मी को तो आती नहीं होगी इंग्लिश। तो ऐसी मदर्स जो कॉन्फिडेंट नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप ग्रामर सीख सकते हैं, अपने बच्चों की पीटीएम अटेंड करने के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं। तीसरी चीज़ मैं इसमें करवाऊंगी बच्चों वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है, बहुत बार ना हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता होगा आपके साथ भी, हाँ या ना करके बताओ चैट में, बहुत बार हम इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग में नहीं आ रहा उस शब्द की इंग्लिश, मतलब बोलना चाह रहे हो दिमाग में नहीं आ रहा कि उसको इंग्लिश में कहते क्या हैं, तो इसे कहते हैं आपकी वोकेबलरी बहुत वीक है, यानी शब्द हिंदी में तो पता है पर उसकी इंग्लिश नहीं आती, तो वोकेबलरी में अगर आप कमज़ोर हैं तो वो चीज़ भी हम इस बैच में कवर करने वाले हैं। तो 3-in-1 ये बैच रहेगा, यानी बैच एक और फ़ायदे 3। सबसे पहला फ़ायदा, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और सीख ही जाएंगे, नहीं तो इतने सारे बैचेस में बना ही नहीं पाती। एक सोच के देखो, कोई टीचर 2010 से पढ़ा रहा है, 14 साल हो गए, 2024 आ गया है, 14 साल से वो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है और आज तक पढ़ा रहा है, 1.25 साल में उसने ऑनलाइन में 8 से 10 बैच अनाउंस करे और सारे के सारे बैच हाउसफुल जा रहे हैं, उसके बाद भी और बैचेस की डिमांड आ रही है, यानी वो सिखा तो पाता ही होगा। अगर मैं सिखा नहीं पाती तो क्या मैं इतने सारे साल सर्वाइव कर पाती, थोड़ा लॉजिकली सोचो। तो आप इंग्लिश पक्का सीख जाएंगे अगर आप क्लास में रोज आएंगे। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन में ना बच्चे की सबसे बड़ी कमी एक ही देखी है, रेगुलर नहीं आते, 5-7-10 दिन आए और फिर हार मान के घर बैठ गए, अरे नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मुझे तो नहीं लग रहा। अरे 8-10 दिन में इंग्लिश आनी होती तो पूरे हिंदुस्तान को आती होती।
आपको 3-4 महीने का सब्र रखना है, बैच की क्लास को रोज लगाना है, धीरे धीरे आपको ग्रोथ महसूस होगी और बैच खत्म होने से पहले आप इंग्लिश सीख चुके होंगे। जैसे अभी अगली 4-5 क्लास में ना मैं अपनी पूरी इंग्लिश सीखो वाले बच्चों को फ्री करूंगी, उसी के टाइम पे मैं आपका बैच बनाऊंगी। अब पूरी इंग्लिश सीखो जो मैं फ्री कर रही हूँ वो मैं उन बच्चों से पूछ के कर रही हूँ, मैं उन बच्चों को कह रही हूँ अगर आपको लग रहा है कि आप सीख चुके हो तो मुझे बाय करना, अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया इंग्लिश का तो मुझे बाय कर दो। मैं ये लाइन नहीं बोलती हूँ कभी भी, बच्चों कोर्स खत्म हो गया आज के बाद क्लास नहीं होगी बाय बाय, दोनों बातों में बहुत अंतर है। मेरे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि यस मैम वी हैव हैड इनफ, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, वी आर वेरी हैप्पी, नाउ यू कैन हैप्पीली स्टार्ट योर न्यू बैच। बच्चों से परमिशन लेके लाइव आती हूँ कि हाँ जी अब आप हमारे समय पर नया बैच अनाउंस कर सकते हो। तो पूरी इंग्लिश सीखो वाले बच्चे ऑलमोस्ट हाँ कर चुके हैं आज, हालांकि मैं उनकी क्लास लेने जाऊंगी आज भी, उनसे और पूछ के आऊंगी, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत रह गई हो, कोई टॉपिक छूट गया हो, कुछ रिपीट चाहिए हो, ये सब पूछने में जाऊंगी आज उनसे, और फिर जो वो डिमांड करेंगे ना उन्हें पूरा भी करूंगी। और हर बैच को टेस्ट सीरीज फ्री देती हूँ। आज मैंने लाइव में क्या बोला, इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी, ग्रामर सिखाऊंगी, खूब प्रैक्टिस दूंगी, वो कैब भी कराऊंगी। टेस्ट की आज मैंने कोई बात नहीं करी ना, बैच में मैं टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेती हूँ और बैच खत्म होने के बाद एक टेस्ट सीरीज फ्री देती हूँ अपने हर बैच के बच्चे को, जिसकी कोई पैसे नहीं मांगती, क्योंकि मेरा उद्देश्य इंग्लिश सिखाना है पढ़ाना नहीं। फर्क होता है दोनों चीज़ों में, इंग्लिश सिखाना और पढ़ाने में भी बहुत अंतर है। तो मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनमें से 80-90% बच्चे सीख जाते हैं, 10-15% बच्चे नहीं सीख पाते, ये भी मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि वो रेगुलर ही नहीं होते, वो उस तरीके से काम ही नहीं करते जैसे मैं कहती हूँ। जिस हिसाब से मैं कहूँगी अगर आप बिल्कुल वैसे चलोगे तो मैं एश्योर करती हूँ आप इंग्लिश पक्का सीखेंगे। अगर कोर्स ख़त्म होने तक भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कोई बच्चा मुझे कह दे कि नहीं आया मैम मैंने कुछ नहीं सीखा, मेरे पे कोई असर नहीं पड़ा, उसकी पूरी फीस मैं वापस कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे के पैसे रख के क्या करूँ। इतनी ईमानदारी बच्चे को भी रखनी होगी कि वो मुझे बताए कि हाँ जी सारा अटेंड किया था। और यहाँ पे एक बात बताती हूँ, लगभग हर बार ये लाइन मैं बोलती हूँ और आज तक एक भी बच्चा ऐसा बोलने नहीं आया है कि मैं कुछ नहीं सीख पाया मैम मेरे पैसे वापस कर दो, एक भी नहीं आया है। तो आप अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो पक्का सीखोगे, चाहे आप किसी भी वर्ग से हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, चाहे आज से पहले आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं, क्योंकि जीरो से इंग्लिश सीखो बैच का नाम रखा भी इसलिए है ताकि नाम से ही पता लग जाए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी। तो ये सारा हो गया बैच के बारे में। अब मैं बताती हूँ टाइमिंग क्या रहेगी। बैच का टाइम रहेगा शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। शाम 5 बजे बैच शुरू होगा। लगभग हर व्यक्ति ऑफिस से फ्री हो चुका होता है, बच्चे स्कूल से फ्री हो चुके होते हैं, हाउसवाइफ्स भी अपने कामों से फ्री हो चुकी होती हैं, तो ये आइडियल टाइम होता है कोई भी क्लास ज्वाइन करने का। तो शाम 5 बजे का समय रहेगा बच्चों, और लगभग 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। 1.5 घंटे की क्लास का मतलब है तीनों चीज़ें डेली 30-30 मिनट, 30 मिनट स्पीकिंग, 30 मिनट ग्रामर, 30 मिनट वोकेबलरी। तो 1.5 आवर की डेली लाइव क्लास होगी मंडे टू थर्सडे। आपके बैच के डेज होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। 4 दिन 1.5-1.5 घंटा लाइव आ करके आपको तीनों चीज़ें इस बैच में जीरो से सिखाई जाएंगी, स्पीकिंग भी, ग्रामर भी और वोकैब भी। 1.5 घंटे का टाइम मंडे टू थर्सडे रहेगा, ये बैच लाइव रहेगा। लाइव का मतलब जैसे अभी आप मुझे सुन पा रहे हो, अभी थोड़ी देर में मैं आपकी चैट पढ़ के रिप्लाई भी करूंगी, तो चैट में पढ़ पाऊंगी और आपके डाउट्स ले पाऊंगी, उसे लाइव बैच कहते हैं। रिकॉर्डेड बैच का मतलब होता है टीचर आपके सामने नहीं खड़ा है, वो लेक्चर्स को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है और वो सुन करके आप उसको जवाब, मतलब कन्वर्सेशन नहीं हो सकती रिकॉर्डेड में, लाइव में आप मेरे से कन्वर्सेट कर सकते हो, आप डाउट पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो ये बैच कैसा रहेगा, लाइव रहेगा। लाइव होने के साथ साथ इस बैच की एक्सेस आपके पास 1 साल तक रहेगी, यानी जो फीस मैं आपसे लूंगी, अभी फीस मैंने बताई नहीं है, बताऊंगी, जो फीस मैं आपसे लूंगी वो फीस होगी पूरे साल की, और 1 साल में आप जितनी बार चाहोगे उतनी बार रिकॉर्डेड वीडियो सुन पाओगे। बहुत टीचर्स अपने ऐप पे क्या करते हैं, मैं भी कर सकती हूँ पर मैं करती नहीं हूँ, ऐप के ऊपर ही ऑप्शन मिलता है कि बच्चा अगर एक रिकॉर्डेड वीडियो को 3 बार सुन ले तो फिर वो वीडियो डिसअपियर हो जाए, या बच्चे ने 1 हफ्ते तक वो वीडियो सुन ली तो वो वीडियो डिसअपियर हो जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, आपको साल भर तक मेरी हर वीडियो दिखाई देगी आपके फ़ोन में, आप जितनी बार चाहो उतनी बार सुन सकते हो,
जितना रिपीट चाहो उतनी बार कर सकते हो। हाँ, लाइव कोर्स 5-1 महीने में कंप्लीट हो जाता है, 4-5 महीने में लाइव आकर के तीनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जितने दिन तक आप चाहोगे आप उसको रिकॉर्डेड सुन सकते हो। तो फुल वैलिडिटी 1 ईयर की होती है और 1 साल में आप जितनी बार चाहें हर क्लास को सुनना आप सुन पाएंगे, क्लास गायब नहीं होगी 1 साल तक। एक ये बहुत बड़ी खास बात है, क्योंकि बच्चा जितनी बार रिपीट करता है ना तो ही इंग्लिश सीखता है। और टीचर्स ये डिसअपियर वाला ऑप्शन क्यों रखते हैं, अगर बच्चे ने एक ही कोर्स से सीख लिया तो वो दोबारा नहीं लेगा ना। अगर बच्चे ने एक ही कोर्स से सारा सीख लिया तो वो उस टीचर का कोर्स कभी दोबारा लेगा ही नहीं। तो इस वजह से टीचर ना वो डिसअपियर वाले ऑप्शन को चुनते हैं, मैं नहीं चुन रही हूँ, क्योंकि एक बार में ही सीखी जा सकती है इंग्लिश। आपको बार बार अलग अलग टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर पढ़ रही है तो कोई ना कोई कमी थी, समझ गए। तो आप एक ही बार कोर्स को 1 साल में बढ़िया सीख सकते हैं अगर आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर एक आधी बार आप लाइव नहीं जा पाते, रिकॉर्डेड क्लास देने का फायदा ये होता है, सपोज किसी दिन आप बिजी हो गए, आप लाइव नहीं आ पाए, तो उस दिन की रिकॉर्डेड वीडियो आप सुन पाएंगे, आपकी क्लास मिस नहीं होगी। ये सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिलेंगी। इस बैच की वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी और इसमें 3 चीज़ें सिखाने के लिए, ऑफलाइन में तो वैसे हम 5-6 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। ऑफलाइन अगर कोई बच्चा मेरे से ग्रामर, स्पीकिंग और वोकैब तीनों चीज़ें सीखे तो 5-6 हज़ार रुपये के आसपास फीस होती है। ज़्यादातर आपको ओवरऑल इंडिया में जब टीचर्स का फीस सर्वे करोगे तो वो तीनों चीज़ें सिखाने के आपसे लगभग 3,000 रुपीज़ ले लेते हैं। 1,000 रुपये ग्रामर के ले लेते हैं, 1,000 रुपये वोकैब के ले लेते हैं और 1,000 ही रुपये वो कोर्स बना के आपसे स्पीकिंग के ले लेते हैं। तो तीनों चीज़ें मिला के जब वो सिखाते हैं तो आपसे 3,000 के आसपास रुपीज़ वो चार्ज कर लेते हैं। आप ये चेक कर लीजिएगा, ऑफलाइन में 5-6 हज़ार बनती है एवरेज इस चीज़ की फीस, और ऑनलाइन में अदर टीचर्स का चेक करोगे सिर्फ स्पोकन के आपसे 1,000 रुपये ले लेते हैं, ग्रामर के 1,500-2,000 रुपये ले लेते हैं। एक स्कूल के बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाते हैं ना आजकल टीचर, सिर्फ होमवर्क कराते हैं तो भी महीने के 2,000 रुपये ले लेते हैं, एक महीने के 2,000। नर्सरी केजी यूकेजी फर्स्ट तक के बच्चे के 2,500-2,500 रुपये एक महीने के ले लिए जाते हैं। ऑनलाइन वाले टीचर क्या करते हैं, रिकॉर्डेड बैचेस के 1,000-1,000 रुपये आपसे ले लेते हैं, सिर्फ स्पोकन के 1,000, 1,000 ग्रामर के, 1,000 वोकैब के, यानी तीनों चीज़ें सिखाएंगे तो कितने ले लेंगे, 3,000 रुपये। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं चाहती हूँ मेरे से पढ़ने वाला बच्चा फीस की वजह से पीछे ना हटे, इस वजह से जो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं बस वही मैं अपने बच्चे से चार्ज करती हूँ। तो एक्सपेंसेस यानी ऐप के, रिकॉर्डिंग के और स्टाफ के, ये टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं सिर्फ वो मैं आप लोगों से फ़ी के तौर पे लेती हूँ, अपने लिए भी मैं कोई चार्ज नहीं करती हूँ। जो बच्चे मुझे पहले से सुन रहे हैं, जानते हैं, उन्हें पता है ये बात। तो मैं ना आपको 0 से इंग्लिश सीखे 2.0 के पूरे साल की जो फीस लूँगी, तीनों चीज़ें सिखाने की, ग्रामर वोकैब और स्पीकिंग तीनों सिखाने की पूरे साल की जो फीस होगी, ध्यान से सुन लेना, सिर्फ 999 रुपीज़ होगी। पूरे साल की फीस सिर्फ 999 रुपये होगी बैच शुरू होने तक, और बैच शुरू हो रहा है 26 अगस्त को। 26 अगस्त से हम इस बैच में पहली क्लास पढ़ाना शुरू कर देंगे। आज 5 अगस्त को मैंने बैच अनाउंस कर दिया है, 26 अगस्त तक अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपकी फ़ीस 999 रुपीज़ रहेगी। बैच शुरू होने वाले दिन या उससे 1-2 दिन पहले हम इस फीस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसका रीज़न होता है कि जो बच्चे एनरोल नहीं कर पा रहे हैं, कम फीस में करना चाहते थे, वो कर चुके होंगे, तो अब हम थोड़ा सा उसमें ज़्यादा फ़ी बच्चों से फिर चार्ज कर लेते हैं। तो आप 999 रुपीज़ में इस बैच को एनरोल कर सकते हो, जिसमें ग्रामर वोकैब और स्पीकिंग तीनों चीज़ें सिखाने वाले हैं हम आपको। 1 साल की फ़ीस है ये, पूरे साल में दोबारा कोई चवन्नी आपने मुझे नहीं देनी है, ना किसी टेस्ट का पैसा मांगूंगी, ना किसी टेस्ट सीरीज़ का, ना किसी भी और तरीके से। आपको PDFs भी इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। हाँ, अगर आप मेरी कोई बुक परचेज करते हो ऐप से तो वो आपको पैसों में परचेज करनी पड़ती है, पर बैच में सीखने लायक जितने भी PDF हैं वो मैं आपको फ्री देती हूँ। मैं इंग्लिश की 17-18 बुक्स बना चुकी हूँ जो वेटिकन ऐप पे अवेलेबल हैं। तो आप बुक कोई परचेज करोगे तो बुक आएगी आपके घर, तो वो हार्ड बुक का पैसा आपको देना होता है। बैच की फीस में हम कुछ नहीं लेते इसके अलावा।
तो पूरे साल की फीस बेटा 999 रुपये रहेगी तीनों चीज़ों की, ग्रामर, वोकैब और स्पीकिंग। बैच का टाइम रहेगा शाम 5 से 6:30, लाइव बैच रहेगा ये वेटिकन ऐप पे। तो सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर से वेटिकन ऐप को डाउनलोड कर लो आप, कमेंट्स में हमने लिंक पिन कर रखा है वेटिकन ऐप का, वहाँ पे क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लो। सबसे ऊपर आपको बैच मिलेगा जीरो से इंग्लिश सीखे 2.0, जीरो से इंग्लिश सीखे 2.0 वाले बैच को आपने एनरोल करना है, जो 26 अगस्त से लाइव क्लास में उसमें पढ़ाना शुरू कर दूंगी। 26 तारीख से लाइव आऊंगी। हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये बैच सक्षम है आपको सिखाने के लिए ग्रामर, वोकैब और स्पीकिंग। स्पेसिफिकली हाउसवाइफ और स्कूल स्टूडेंट्स पक्का ज्वाइन करें, हाउसवाइफ्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा, डबल बेनिफिट मिलेगा, खुद के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और स्कूल स्टूडेंट्स ने अगर एक बार सीख लिया तो स्कूल पास करने तक, सेक्शन में हमने ऐप का लिंक भी पिन कर रखा है और फ़ोन नंबर भी पिन कर रखा है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप उन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। यही सेम वीडियो मैं YouTube पे और Instagram पे भी अपने सारे हैंडल्स पे अपलोड करूंगी, ताकि हर जगह का व्यक्ति मुझसे जुड़ सके। तो बैच की डेट एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, कब शुरू हो रहा है बैच, 26 अगस्त से, ताकि बाद में जो बच्चे लाइव आए उन्हें मेन मेन इन्फॉर्मेशन कमेंट से ही मिल जाए। फटाफट लिखेंगे सभी बच्चे 26 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, बैच का नाम क्या है फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जीरो से इंग्लिश सीखे 2.0, जल्दी लिखो बैच का नाम क्या है, जीरो से इंग्लिश सीखे 2.0, फटाफट कमेंट सेक्शन में बैच का नाम लिखो। बैच शुरू कब हो रहा है, 26 अगस्त से, फटाफट लिखो। पूरे साल की फीस क्या ले रही हूँ, जल्दी लिखो, फी फॉर फुल ईयर इज 999 रुपीज इंस्टेड ऑफ 3000। फीस क्या है ऑनलाइन में, वैसे 3000 रुपये बाकी टीचर साहब से ले रहे हैं, मैं क्या ले रही हूँ 999 रुपीज में। क्या सिखा रही हूँ, स्पीकिंग, ग्रामर, वोकैब, लिख दो कमेंट सेक्शन में फटाफट, स्पीकिंग, ग्रामर, वोकैब, 3 in 1, तीनों चीजें सिर्फ 999 में पूरा साल भर लाइव आके पढ़ाऊंगी, मंडे टू थर्सडे शाम 5 बजे। 26 अगस्त से बैच शुरू हो जाएगा। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर डाउट्स। तो आपको जो भी क्वेश्चन है बैच से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे यहाँ लाइव में लिख सकते हैं। अब मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ, जल्दी से डालिए अपने सवाल। हाँ जी, 26 अगस्त से बैच शुरू होगा, जीरो से इंग्लिश सीखे 2.0, संजना 2.0 वाला बैच परचेज करना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जीरो से इंग्लिश सीखे ऑलरेडी चल रहा है एक बैच, 2.0 नया बैच होगा, शाम 5 बजे टाइम होगा, लिख दो कमेंट सेक्शन में जल्दी। रजनी शिवा गुड मॉर्निंग, शाम को 5 बजे बैच होगा। अब जल्दी से अपने डाउट्स डालिए आप कमेंट में, मुझे कुछ भी कहना चाहते हैं, कास के लव यू मिस यू। थैंक यू संतोष नैन जी। जो जो भी बच्चे ऑलरेडी किसी भी बैच में मुझसे पढ़े हुए हैं वो अपना एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं सबूत के तौर पे, ताकि बाकी नए बच्चों को जज जाए कि हाँ भाई कोई फ्रॉड नहीं है। नहीं तो लोग ज़्यादातर बार तो ये सोचते हैं भाई ऑनलाइन में फ्रॉड होते हैं, पता नहीं बैच होगा कि नहीं, पता नहीं पैसे फंस ना जाए कहीं। तो ये सब डरों से आप बाहर रहिएगा, बिल्कुल सेफ जगह पे आपके पैसे आ रहे हैं, और आपको मैं नहीं सिखा पाऊंगी तो वापस भी दे दूंगी, कोई लोभ नहीं जी। गुड मॉर्निंग काजल, अदनान खान, सॉरी आई कैन नॉट कॉल यू, यू कैन कॉल मी ऑन द नंबर 9991185। पूरे इंग्लिश सीखो बैच के स्टूडेंट है कविता, उन्हें पता होगा कि 2-3 दिन में हम आप इनके बैच को फ्री करने वाले हैं मेरी तरफ से। स्पीकिंग अभी उनकी चल रही है, ग्रामर कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, इवनिंग का टाइम 5 बजे, कोई डाउट्स हो तो बताइए। अब जितने भी बच्चे लाइव हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं, ज्योति वत्स कह रही हैं आपने बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया है, थैंक यू ज्योति। टाइम एंड डे 26 अगस्त को शाम 5 बजे से बैच शुरू हो जाएगा, एडमिशन आज से ओपन हो चुके हैं। 999 रुपीज में आप एनरोल कर सकते हो, पूरे साल की फीस 999 रुपीज रहेगी। यू बेटा, हाँ एक बात और बताती हूँ, जैसे विशाल कह रहा है मैं 3 in 1 बैच का हूँ, एक बच्ची कह रही है मैं पूरी इंग्लिश सीखो बैच की हूँ, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऑलरेडी मेरे किसी बैच को परचेज कर चुका है, तो ऐसा बच्चा कॉल करके ये कह सकता है कि मैं नेहा मैम का ओल्ड स्टूडेंट हूँ, उसको डिस्काउंटेड फीस पे भी 10% और लेस हो जाएगा, यानी फीस 999 रुपीज़ है। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुका है ऑनलाइन में, तो उसका 10% और लेस हो जाएगा, यानी 999 पे भी 10% कम हो जाएगा मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स का, अगर वो दोबारा से मेरे बैच में एनरोल करना चाहते हैं। जो भी कह रहे हैं मिस यू
तो वो मिस यू वाले मेरे से दोबारा मिल सकते हैं 999 पे, और 10% लेस करके उनकी फ़ीस पे हो जाएगी। आपने पर स्टाफ को ये बताना है मैं इस बैच में आता था, वो आपके रिकॉर्ड को चेक करेंगे, एनरोलमेंट पता लग जाता है कि आप बैच में थे या नहीं, फिर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से अगर आपने फ़ी पे करनी है तो आपको किसी इंडियन नंबर की मदद लेनी पड़ेगी। वेटिकन ऐप डाउनलोड प्ले स्टोर से आप कर सकते हो। वेटिकन ऐप पे ये बैच होगा जीरो से इंग्लिश सीखे 2.0 के नाम से, जो शाम 5 बजे से 26 अगस्त से शुरू हो जाएगा। 26 अगस्त से पहले पहले ही इसमें एडमिशन होंगे, तो 999 रुपीज़ में आप अपने आप को पूरे साल के लिए एनरोल कर सकते हो। सिद्धि कौशिक, आई एम रिद्धि, डू यू नो मी? हाँ सिद्धि रिद्धि, आपको मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ। रिद्धि और सिद्धि की मम्मी मुझसे ऑनलाइन पढ़ती थी दिल्ली में है वैसे बेसिकली वो, तो वो मेरे ऑनलाइन बैच को अटेंड करती थी और उन्होंने अपनी बेटियों को मेरे पास ऑफलाइन में भेजा है। दोनों ट्विंस हैं रिद्धि और सिद्धि, वो ऑफलाइन में मेरे पास आ रही हैं। अभी 10th पास बच्चा मेरे पास आ सकता है ऑफलाइन में। 10th अगर आपका बच्चा पास है या 10th पास कोई बच्चा मुझे सुन रहा है, तो 10th से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई और सरकारी नौकरी की तैयारी दोनों में रोहतक में कराती हूँ। तो रिद्धि सिद्धि मेरे पास तभी आई थी। आइल्ट्स के लिए कौन सा बैच ज्वाइन करें? आइल्ट्स के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्पीकिंग भी कवर करवाई जा रही है, पर आइल्ट्स में लिसनिंग रीडिंग वगैरह भी होती हैं, तो स्पेसिफिकली फॉर आइल्ट्स ये बैच नहीं है। झूठ बोल के एडमिशन नहीं करूंगी, आइल्ट्स का स्पोकन वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा, ये कह सकती हूँ। लव यू निर्मला। निर्मला आई नो यू, आप बेंगलोर लखनऊ से हैं, मुझे याद है आप आते थे हर घर सरकारी नौकरी बैच में, उसमें आते थे और आपने कभी छुट्टी नहीं की थी, मुझे अच्छे से याद है। रितु आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम 2-in-1, 2-in-1 नहीं 3-in-1 बैच था। ठीक है रितु, बिल्कुल आप 3-in-1 बैच में आते थे, बहुत अच्छे से हमने उस बैच को निभाया था, आप रेगुलर भी थे। तो कोई भी मेरा पुराना बच्चा जो ऑलरेडी मुझसे ऑनलाइन में पढ़ा हुआ है, अगर वो जीरो से इंग्लिश सीखे 2.0 को ज्वाइन करता है, तो उसको 10% लेस करके फीस मिलेगी। 999 पे भी 10% लेस हो जाएगा, खुश। कॉन्फिडेंस बहुत कम है देवराज, तो बैच ज्वाइन कीजिए, आपको पक्का फायदा मिलेगा। अतुल ठाकुर फ्रॉम 3-in-1 बैच। ज्योति वत्स जी, रोहतक से मैं लाइव हूँ, वीडियो के शुरुआत में मैंने बहुत अच्छे से बताया था अपने बारे में। जी संजना, पक्का भेजिए आप अपने बेटे को मेरे पास। रंजीता सोनी, जानती हूँ मैं आपको भी, आप भी हर घर इंग्लिश बैच में थे, निर्मला वाले बैच में, मतलब रंजीता सोनी थी हर घर इंग्लिश में, और फिर मैंने हर घर सरकारी नौकरी में थी रंजीता, हर घर इंग्लिश में नहीं, याद आ गया, हर घर सरकारी नौकरी में रंजीता थी और निर्मला भी हर घर सरकारी नौकरी में थी। सही कहा ना मैंने? मैं भूलती नहीं हूँ, रेगुलर बच्चों को मैं बिल्कुल नहीं भूलती। कासिम जी, मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार आपको। अनीता, आप 3-in-1 में थे, चलो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश नहीं आती अस्कर, तभी तो बैच है, 26 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है शाम 5 बजे, आज से उसमें एडमिशन शुरू हो गए हैं। वेटिकन ऐप पे ऑनलाइन होगा ये बैच, लाइव आऊँगी उसमें 1.5 घंटा मंडे टू थर्सडे, 1.5 आवर का लाइव लेक्चर होगा, लाइव इसी तरीके से मुझसे बात कर पाओगे जैसे अभी कर रहे हो बैच में भी। 26 अगस्त से शाम 5 बजे शुरू हो रहा है। फिलहाल पूरे साल की फ़ीस सिर्फ 999 रुपीज़ है। बैच शुरू होने से पहले पहले आपको एनरोल करना है 999 रुपीज़ में। वैसे इस बैच की फ़ीस लगभग आपको ऑनलाइन में अदर टीचर्स 3,000 से 4,000 रुपये ले लेंगे, क्योंकि मैं इसमें तीनों चीज़ें सिखा रही हूँ, एक ही बैच में सब कुछ सिखा दूँगी, इंग्लिश बोलना भी, ग्रामर भी और वोकैब भी। ओके बच्चों, तो 26 अगस्त से लाइव आना शुरू कर दूँगी बैच में, आप एनरोल अभी कर सकते हो। हाँ रंजीता आपकी बैचमेट थी निर्मला, यस। देविंदर, लव टू वॉच योर वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच। सीख जाऊँगा, बहुत कमज़ोर हूँ। कमज़ोर बच्चे को ही टीचर की ज़रूरत पड़ती है। क्या नाम है बच्चे का? क्या मैं सीख जाऊँगा? बहुत कमज़ोर हूँ इंग्लिश में देवराज। कमज़ोर बच्चों को ही तो अध्यापक की ज़रूरत है, जो बच्चा खुद से पढ़ने और सीखने में सक्षम है उसको टीचर की ज़रूरत थोड़ी ना है, समझे? तो पक्का सीख जाएंगे। CPO मेंस के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं विकास कौशिक जी। CPO मेंस वाले बच्चों को ऑलरेडी मैं पढ़ा रही हूँ, बैच चल रहा है उनका, जो कि वैदिकन गुरुकुल के अंडर चल रहा है। तो आपका स्कोर बताओ, उस हिसाब से मैं आपको अभी भी गाइड कर सकती हूँ, कोई बात नहीं है।
नहीं तो आप रोहतक आ जाना, मिलके बैठ के बात कर लेंगे। विकास, सीपीओ में तो मैं ऑल इंडिया रैंक्स भी दे चुकी हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से मैं मदद कर सकती हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। सिद्धि कौशिक, योर डेडिकेशन एंड पैशन फॉर टीचिंग इंस्पायर मी एवरी डे। थैंक यू सिद्धि बेटा। और कोई टाइमिंग नहीं फिलहाल, तो मैं 5 ही बजे फ्री हूँ, तो और कोई टाइमिंग सॉरी नॉट पॉसिबल। शाम 5 बजे बैच होगा, हाँ 5 से 6:30 बैच रहेगा। 999 रुपीज पूरे साल की है, एक महीने की नहीं है, पूरे साल की फीस है 999। पर अभी एडमिशन लेना होगा आपको, अभी वेटिकन ऐप डाउनलोड कर लो और 2.0 ज्वाइन कर लो, ठीक है। विकास, प्री में अगर 162 है तो बहुत अच्छा है आपका स्कोर, डेफिनेटली आपका प्री पास होगा। और मेंस में आपको 170 के आसपास चाहिएगा दिल्ली पुलिस के लिए। 170-175 अगर आप कर पाएंगे स्कोर मेंस में तो आपको डीपी मिल जाएगा। थोड़ा कम स्कोर करोगे तो फिर नीचे बहुत सारी पोस्ट होती हैं, आपको पता होगा, उनमें से कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेंस को अगर हिट करना चाह रहे हो तो वॉइस नरेशन को 100% कर लो। स्टेप्स होते हैं मेंस की तैयारी करने के, वॉइस और नरेशन में आपका एक भी नंबर ना कटे। फिर आप पैसेजेस पे फोकस करें और फिर वोकैब पे। अगर आप इन 3 सेक्शंस पे सॉर्टेड काम करते हो, देखो अगर आप मेरे पास आओगे तो फिर मैं मटेरियल और वो सब भी बताऊंगी, अभी लाइव में तो इतनी ही हेल्प कर सकती हूँ कि इस तरीके से अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज करो, डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा। वोकैब वाली वीडियोस को अलग अलग ग्रुप में बना के सेंड करना, ओके। बिल्कुल, आप बैच में इस तरह की प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, हम पक्का उसको सुधारेंगे। एक्सेप्ट माय ग्रीटिंग्स, एक्सेप्टेड अब्दुल। मैं रोहतक आ जाऊंगा रेगुलर सीखने के लिए। ओ श्योर देवराज जी, मोस्ट वेलकम, पक्का आइए, कोई मनाही नहीं। रोहतक में नेकीराम कॉलेज के बिल्कुल सामने आप खड़े होंगे जैसे ही, तो आपको बड़ी सी मेरी फोटो बड़ी सी बिल्डिंग पे दिख जाएगी, आप समझ जाना, अंदर आ जाइएगा, मेरे लाइव का रेफरेंस दे देना, किसी ना किसी क्लास में मिलूंगी। हालांकि मैं पूरा दिन क्लासेस में होती हूँ, तो आप किसी भी समय आएंगे तो मैं कोई ना कोई बैच पढ़ा रही होंगी, तो मिलना तो बैच के अंदर ही होगा, मैं बैच में ही बुला लेती हूँ, सारे दूसरे बच्चों से भी मिलवा देती हूँ, फिर अलग से 5-7 मिनट फ्री होने के बाद ऑफिस में, जो लंच टाइम होता है ना, वो टाइम पे फिर मैं ऑफिस में मिलके बात कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुड मॉर्निंग सैयद, गुड मॉर्निंग कासिम। हाँ हाँ पक्का, कोई भी आ सकता है रोहतक में, कोई मनाही नहीं है। आपको पता है रोज 100-150 लोग आते हैं हमारे इंक्वायरी ऑफिस में डेली, 100 से 150 लोग रोज आ रहे हैं, तो मैं क्यों आपको क्यों मना करूंगी, जो भी आना चाहे आ सकता है। बारिश बिल्कुल नहीं है सोनू खान यहाँ पे, मैं कह रही हूँ बैच की इन्फॉर्मेशन ले लो, ये वेदर अपडेट मांग रहे हैं मुझसे। रोहतक तो बारिश के उससे रेड जोन में है, आप लोगों को पता नहीं है क्या। हाँ क्लास 4 का बच्चा ज्वाइन कर सकता है, क्लास 1 6 साल का बच्चा ज्वाइन कर सकता है, 6 साल से कम अगर बच्चा है तो ना करे, फिर समझ नहीं आएगा। 6 साल के बच्चे को समझ में आता है, मेरी बेटी 6 साल की है, उसको हमारे बैच में बैठ के समझ आता है। अब मैं इससे बड़ा एग्जांपल नहीं दे सकती, 6 साल से लेकर के 12वीं क्लास तक का बच्चा ज्वाइन कर सकता है, हाउसवाइफ ज्वाइन कर सकती हैं, जिन्हें इंग्लिश सीखने का शौक है, आज तक इंग्लिश नहीं आई, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट होगा, डेमो क्लास देखनी है, आप पढ़ाते कैसा हो ये देखना है, तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे दुनिया भर की वीडियोज डाली हुई है, मेरी ग्रामर की, मेरी वोकैब की, मेरे थॉट्स की, आप उन सबको सुनिए। आपको लग रहा है कि वो सुन के आपको समझ आ रहा है तो आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, ओके बच्चों। अब आप क्योंकि कोई खास सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो फिर मैं लाइव सेशन का अंत करते हुए मेन मेन इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। 26 अगस्त से लाइव बैच शुरू हो रहा है, जिसकी क्लास मंडे टू थर्सडे रहेंगी, शाम 5 से 6:30 ये क्लास रहेगी, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर, वोकैब और स्पीकिंग तीनों चीज़ें सिखाएंगे। स्कूल का बच्चा, कॉलेज का बच्चा, हाउसवाइफ, एक्स सर्विसमैन, स्कूल, इंडिया के लगभग हर कोने से स्कूल टीचर्स ऑलरेडी मेरे पास पढ़ रहे हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में वेटिकन ऐप का लिंक और फोन नंबर पिन कर दिए हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करके वेटिकन ऐप डाउनलोड करिए। ये वेटिकन ऐप पर लाइव आएगा बैच 26 तारीख से, 5 अगस्त से, यानी आज से आप इसमें एडमिशन लेना शुरू कर सकते हैं। 5 से लेकर 26 अगस्त तक एडमिशन 999 रुपीज में होंगे, पूरे साल की फीस। इस बैच की वैलिडिटी 1 साल रहेगी और पूरे साल की फीस सिर्फ 999। बीच में कॉल आ रही है बार बार, तो आपको जो मैं स्किप करते दिख रही हूँ वो वही है। तो आप इस बैच में जुड़िए,
26 को मैं आपसे लाइव मिलूंगी, एक आधी बार और भी आऊंगी अभी बीच में लाइव, बैच के बारे में दोबारा याद दिलाने की भाई फिर मौका नहीं आएगा, क्योंकि पता है क्या होता है, मैं वैसे बैच की फीस 3,000 से 4,000 रुपए है, ये फिलहाल के लिए 999 रुपीज मैंने कर रखी है, तो जिनको भी जरूरत है फटाफट से एनरोल कर लीजिए, फिर मैं धीरे धीरे करके इस फीस को अपग्रेड कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ, तो पहले कुछ शुरुआती बच्चों के लिए ये फीस 999 रुपीज रहेगी, तो आप एनरोल कीजिएगा। 26 तारीख को शाम 5 बजे मिलते हैं वेटिकन ऐप पे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो 9999118542 या 9999118543, दोनों में से किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे जल्द बैच के अंदर, टिल देन हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डेज भी कहा जाना चाहिए वैसे, ए नहीं लगेगा, पर बाय एवरीवन।